हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4th, और आज इस छोटे से लेक्चर में हम बोर्ड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे, जो कि है कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर, या बोल दो कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है। सो यस, माय नेम इज अलख पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। कॉपी और पेन निकाल दें, चूहा खाना बंद कर दें। इस लेक्चर के नोट्स बेटर होगा खुद से बनाएं, अदरवाइज वेबसाइट से आप इसके पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे कमेंट में मैंने लिंक दे रखा है, www.physicswalaalakhpandey.com। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज आप पढ़ने जा रहे हैं कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर। तो पहली बात आती है कि ये कार्बन रेजिस्टर होता क्या है, इसकी कलर कोडिंग तो छोड़ो, ये होती क्या चीज है। तो बच्चों, कमर्शियली मान लो हमें कहीं एक्सपेरिमेंट में यूज करना है, या कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बन रहा है, वगैरह वगैरह। कमर्शियली दो तरह के रेजिस्टर हमें मिलते हैं। पहला हमें मिलता है कुछ एलॉयज के फॉर्म में। कौन कौन से एलॉयज? जैसे हमने ले लिया नाइक्रोम का वायर, जैसे हमने ले लिया मैंगनीन का वायर, जैसे हमने ले लिया कॉन्स्टेंटन का वायर, आगे यूज होगा ये सब। यही एलॉयज क्यों चूज किए एक्सपेरिमेंट करने के लिए? बच्चों, इन एलॉयज की खास बात यह है कि इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है, दैट इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये पिछले लेक्चर में मैंने पूरी बात बताई थी। जैसे मान लो आप लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उसमें कोई आप वायर यूज कर रहे हो, तो आप तो यही चाहोगे कि ना कि उस वायर की प्रॉपर्टीज एक्सपेरिमेंट के दौरान ना चेंज हो, वरना आपका एक्सपेरिमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। भाई आप कहीं करंट की वैल्यू निकाल रहे हो और बीच में इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया या घट गया, तो उससे आपका ओवरऑल करंट का रीडिंग गलत हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे अलॉयज होते हैं जिनका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी टेम्परेचर चेंज होने पे चेंज नहीं होती। अब आप बोलोगे सर टेम्परेचर चेंज ही ना करें, कुछ भी वायर यूज कर लें, टेम्परेचर ही ना चेंज करें, अपने हाथ में नहीं है ना। जब किसी भी वायर से करंट फ्लो करता है तो उस वायर में हीट प्रोड्यूस होती है। किसी भी वायर से जब करंट फ्लो करता है ना, इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब किसी वायर से करंट फ्लो किया, उसमें हीट प्रोड्यूस हुई, हीट से टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर से रेजिस्टेंस चेंज हुआ, एक्सपेरिमेंट डिस्टर्ब हो गया। तो हमें ऐसे वायर्स चाहिए होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ नियरली कॉन्स्टेंट रहे। तो हमने ये रेजिस्टेंस यूज किए ये वायर्स। प्रॉब्लम ये थी कि इन वायर से बहुत हाई रेजिस्टेंस नहीं ऑब्टेन हो सकता, मतलब हो सकता है, प्रॉब्लम ये है कि बहुत लंबे वायर लेने पड़ेंगे, खर्चा बहुत ज्यादा होगा। सो इनके साथ लिमिटेशन ये हो गई, कि वेरी हाई रेजिस्टेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। वेरी मतलब वेरी हाई, बहुत ही हाई। कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड मतलब कैन बी ऑब्टेन्ड बट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड प्रैक्टिकली, मतलब पैसा भी तो है। हाँ सर, पैसा नहीं खर्च करना है मेरे को है। और दूसरे जो कमर्शियली यूज होते हैं रेजिस्टर, वो होते हैं कार्बन रेजिस्टर। ठीक है, कार्बन रेजिस्टर की खास बात क्या है? पहली चीज, दे कैन प्रोवाइड वेरी हाई रेजिस्टेंस, और अच्छी बात क्या है, दैट दे आर वेरी कॉम्पैक्ट इन साइज। साइज का प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है, वेरी कॉम्पैक्ट इन साइज, वेरी स्मॉल इन साइज, इसलिए हम यूज करते हैं कार्बन रेजिस्टर। बहुत छोटे से होते हैं और बहुत बड़ा बड़ा रेजिस्टेंस दे सकते हैं। छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट लैब में करने तो वही यूज करो, जब बड़ा रेजिस्टेंस चाहिए तो इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये बात आई कि कलर कोडिंग क्यों हो रही है कार्बन रेजिस्टर की। सिंस दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, तो इनके ऊपर आप इनका रेजिस्टेंस लिख नहीं पाते, इतने छोटे। दे आर सो स्मॉल that you cannot write, you cannot see value of their resistance. In fact, उनके resistance की value obtain करने के लिए we use color coding. ठीक है, अब ये color coding एक international market में set है,
कि अगर ये कलर है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ये कलर है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ये, और एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, ये नहीं कि एक कलर से अप्रॉक्स एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। नोट कर लें, देखते हैं कैसे कलर कोडिंग कर रहे हैं। कुछ डेटा है वो आपको याद रखना होगा, है ना, कि किस कलर पे क्या, किस कलर पे क्या, छोटा सा टॉपिक। क्लियर है, डिफरेंस समझ में आ गया कि वो वायर्स भी अच्छे हैं, उनकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती टेम्परेचर के साथ, बढ़िया है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। आगे आप देखोगे कई जगह उन्हीं को यूज़ करेंगे हम, अभी आगे हम मीटर ब्रिज वगैरह बनाएंगे तो पोटेंशियोमीटर बनाएंगे, वहाँ यही सब यूज़ होगा, ठीक है। बट जब बहुत हैवी रेजिस्टेंस चाहिए तो कार्बन रेजिस्टर। और इनकी हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कलर कोडिंग टू नो देयर रेजिस्टेंस वैल्यू, ठीक है, इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू कलर कोडिंग से निकालेंगे। नोट कर लीजिए पॉज करके, 1 2 3 4 बेटा आने जा रहे हैं, ओके। अब कैसे होती है कलर कोडिंग, कैसे एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है कलर कोडिंग से, कितना सुंदर सिस्टम बनाया कि एग्जैक्ट वैल्यू रेजिस्टेंस की मिल जाएगी, देखते हैं। आइए देखते हैं, जैसे मानिए यहां पे कार्बन का रेजिस्टर है, इसके ऊपर चार कलर बैंड्स होते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 क्या हमारे पास 4 को एक्सियल कलर बैंड्स, बैंड्स बोल लो या एनसीईआरटी में बोलता है रिंग्स, देखो रिंग्स बनी हुई है चार डिफरेंट कलर की, या सेम कलर भी हो सकता है। अब अलग अलग कलर का अलग अलग सीन है, जैसे अलग अलग नंबर का, जैसे पहला और दूसरा बैंड, बैंड नंबर 1 2 से आपको मिलती है नंबर, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब मैग्नीट्यूड आपको मिलता है रेजिस्टेंस का, सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलती हैं आपको, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, यहां तक डेफिनेट पता है। बैंड नंबर 3 से आपको मिलता है, 3 नंबर के बैंड से आपको मिलता है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर इसको आप बोल सकते हो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब 10 की पावर में किससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है, दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट। और बैंड नंबर 4 से आपको मिलता है टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब वेरिएशन, कितना वेरिएशन हो सकता है, जो ये जो वैल्यू निकली है 3 बैंड से, इस वैल्यू में कितना वेरिएशन हो सकता है इन परसेंटेज फ्रॉम गिवन वैल्यू, जो गिवन वैल्यू 1 2 3 से निकालोगे उसमें कितना गलती हो सकती है प्लस माइनस के टर्म्स में, ठीक है, ये तो तुरंत याद हो जाएगा। 1 2 3 को देखते हैं, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कलर, यहां पे मैं लिख रहा हूं कलर, यहां पे बैंड 1 2 या उसको आप बोल दो नंबर, यहां पे बैंड 3 या उसको आप बोल दो मल्टीप्लायर, और यहां पे बैंड 4 या उसको आप बोल दो टॉलरेंस, ठीक है। चलिए मैं कुछ कलर्स लिखना स्टार्ट करूंगा, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, ठीक है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, ठीक। अब न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 नंबर, फिर मल्टीप्लायर, फिर टॉलरेंस, तो सबसे पहले लिख लो 0, इसके बाद 1, इसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। ठीक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। मल्टीप्लायर में 10 की पावर, जैसे यहाँ पे 10 की पावर 0, यहाँ पे 10 की पावर 1, यहाँ पे 10 की पावर 2, यहाँ पे 10 की पावर 3, यहाँ पे 10 की पावर 4, यहाँ पे 10 की पावर 5, यहाँ पे 10 की पावर 6, यहाँ पे 10 की पावर 7, यहाँ पे 10 की पावर 8, एंड लास्ट में 10 की पावर 9,
ठीक है, ठीक है, इतना नोट करिए पहले, इसको भी लिखवाते हैं, पहले इतना नोट करिए आप, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। टॉलरेंस में तीन ही कलर होते हैं, चौथा बैंड में इतना कलर नहीं हो सकता, चौथे बैंड के तीन ही वेरिएशन हैं। चौथा बैंड या तो गोल्ड कलर का होगा, या तो सिल्वर कलर का होगा, या तो कोई कलर नहीं होगा, नो कलर। गोल्ड का है तो प्लस माइनस 5% की गलती हो सकती है, 5% ज़्यादा या कम। सिल्वर है तो प्लस माइनस 10% की गलती, और नो कलर है तो प्लस माइनस 20% की, या तो 20% ज़्यादा वैल्यू होगी या 20% कम वैल्यू होगी। तो एकदम भी डेफिनेट नहीं मिलता रेजिस्टेंस, फिर भी काफ़ी हद तक डेफिनेट हो गया। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड बैंड से क्या मिलेगा? नंबर। थर्ड बैंड से क्या मिलेगा? 10 की पावर। और फोर्थ से टॉलरेंस मिलेगा। क्या मैं इसको मिटा दूं ऊपर जो लिखा हुआ है? अभी याद करने का तरीका बता देंगे, पहले सीख लो फिर याद करने का तरीका भी बता देंगे। क्या ऊपर वाली चीज को मैं मिटा दूं? चार बैंड, फर्स्ट सेकेंड से नंबर, थर्ड से मल्टीप्लायर, फोर्थ से टॉलरेंस, मिटा दे। ओके, आइए देखते हैं कि कैसे इसको करना है। अभी याद करने का तरीका बता रहे हैं, डोंट वरी, याद भी हो जाएगा। मान लो ये चार बैंड हैं, क्वेश्चन आ गया अपने पास। पहला बैंड है येलो कलर का, दूसरा बैंड है मान लो रेड कलर का, तीसरा बैंड है मान लो ब्राउन कलर का, और चौथा बैंड है मान लो गोल्ड का। अब हमसे कहा कि आप इसका रेजिस्टेंस बताइए, चारों बैंड के कलर मिल गए तो रेजिस्टेंस आना चाहिए हमें। चलो शुरू करते हैं। बैंड नंबर 1 और 2 से क्या मिलती है? वैल्यू। तो येलो धूड़ो कहाँ पे है? ये येलो के सामने क्या है? 4। तो पहली वैल्यू मिली 4। बैंड नंबर 2 क्या है? रेड। रेड से भी वैल्यू मिलेगी, सामने क्या है? 2। तो 2। बैंड नंबर 3 ब्राउन, ब्राउन। अब बैंड नंबर 3 के लिए क्या देखना चाहिए? मल्टीप्लायर। तो 3 के लिए मल्टीप्लायर ए यहां, सॉरी ब्राउन, बैंड नंबर 3, सॉरी हाँ ब्राउन, ये रहा ब्राउन। 10 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 1। बोलो समझ में आया? फिर से येलो कहाँ रहा? ये इसके लिए लिख लिया नंबर 4। दूसरे के लिए भी नंबर लेना है। रेड कहाँ रहा? ये नंबर लिखा 2। तीसरे के लिए क्या लेना है? मल्टीप्लायर। तो तीसरे के लिए गए मल्टीप्लायर पे 10 की पावर 1। अब चौथा क्या बताता है? टॉलरेंस। तो गोल्ड मतलब प्लस माइनस 5%। तो फाइनल आंसर इज 42 × 10⁻¹ ओम प्लस माइनस 5%। क्लियर है? छाप लें। क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल ले लें। क्लियर हुआ? चलिए एक और ले लेते हैं। मान लीजिए यहां पे हमें एक कार्बन रेजिस्टर दिया है, ये चार बैंड 1, 2, 3, 4। पहला बैंड है मान लीजिए वायलेट कलर का, दूसरा है मान लीजिए ग्रीन कलर का, और तीसरा है मान लीजिए ब्लू कलर का, चौथा है मान लीजिए सिल्वर कलर का। चलिए आप खुद से इसका रेजिस्टेंस लिख के बताएं। आसान है, पहले 2 से वैल्यू निकालो, तीसरे से 10 की पावर, और चौथे का यहाँ से टॉलरेंस। हो गया? पॉज करके हो गया? चलिए, आर इज इक्वल्स टू वायलेट कहाँ रहा? ये पहले से वैल्यू लेंगे 7। दूसरा ग्रीन, दूसरे से भी वैल्यू लेते हैं 5। तीसरा ब्लू, ये ब्लू से लेंगे मल्टीप्लायर 10 की पावर 6। ब्लू से लेंगे क्या? तीसरे से मल्टीप्लायर। तीसरा कलर आते ही कहाँ पहुँच जाओ? मल्टीप्लायर। ब्लू से कहाँ पहुँचे? 10 की पावर 6। कुछ गलती नहीं हो रही है, वरना आप लोग मेरे को छोड़ोगे नहीं। गले वैल्यू गलत लिखी। वायलेट कहाँ पे है? ये 7। ग्रीन कहाँ पे है? ये 5। और ब्लू कहाँ पे है? ये 10 की पावर 6। और लास्ट में क्या है? सिल्वर। प्लस माइनस सिल्वर के लिए कितना? 10%। तो फाइनल आंसर इज 75 × 10⁻⁶ ओम प्लस माइनस 10%। इससे 10% ज़्यादा भी हो सकता है, 10% कम भी। देख लो कितने बड़े बड़े रेजिस्टेंस आ जा रहे हैं छोटे छोटे कार्बन रेजिस्टर में। क्लियर हो गया एकदम? एक और प्रैक्टिस कर लो, फिर इसको याद करने का तरीका बताएं। चलिए एक आखिरी, वन लास्ट।
चलो इसको ले लेते हैं हम ब्राउन, इसको हम ले लेते हैं ऑरेंज, इसको हम ले लेते हैं ग्रे, और इसको हम ले लेते हैं नो कलर। मान लो यहाँ पे हो सकता हो कुछ लिखा ही ना हो, ऐसे ही बस बना हो, मतलब नो कलर। चलो पॉज करके बताओ इसका रेजिस्टेंस। 1 2 3 4 हो गया, ओके कर लो, अभी टाइम है। ब्राउन कहाँ रहा ये, तो वैल्यू ली 1। ऑरेंज कहाँ रहा ये, वैल्यू ली 3। तीसरे के लिए मल्टीप्लाई करना होगा। ग्रे, ग्रे ये रहा, वैल्यू ली ये वाली 10^8। तीसरे के लिए मल्टीप्लायर प्लस माइनस, नो कलर मतलब 20%। तो आंसर इज 13 × 10^8 ओम प्लस माइनस 20%। कितने बड़े बड़े रेजिस्टेंस निकाले जा सकते हैं। क्लियर हो गया चारों कलर से। पहले दो की वैल्यूज यहां से उठा लो, पहले दो कलर को यहां से उठाओ, तीसरे कलर को यहां से उठाओ, और चौथा वहां दिख रहा होगा। क्लियर। ब्राउन यहां से 1, ऑरेंज यहां से 3, और ग्रे 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 यहां से 10^8। अब बात आई इसको याद कैसे रखें। तो देखो इधर तो याद करना बड़ा आसान है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहां 10^ लगा दो, 10^0 10^1 10^2 10^3। ठीक है, इसको कैसे याद करोगे, इसको ऐसे याद करोगे, बी बी रॉय है ना, ये कोई इंसान है जिसका नाम है बी बी रॉय। कहां रहते हैं ये, छोटा सा ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, कहां रहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन में रहते हैं, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज हैज वेरी गुड वाइफ। ठीक है, भगवान करे आपकी भी बहुत ही अच्छी वाइफ हो। हैज वेरी गुड वाइफ, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। तो बी स्टैंड्स फॉर ब्लैक, बी स्टैंड्स फॉर ब्राउन, आर स्टैंड्स फॉर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा है ना, कि बी 3 बार आया है ना, जी भी 2 बार आया है। तो पहला वाला जी होता है ग्रीन के लिए, जी आर लिखा है, इससे याद रख सकते हो ग्रेट ग्रीन। और दूसरा वाला होता है ग्रे के लिए, जिसमें भी जी आर आ रहा है। थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये ब्लैक ब्राउन, ये तो याद रहेगा, पहला ब्लैक और दूसरा ब्राउन, पहले सबसे गंदे कलर जो हम लोग स्केच कलर्स जब होते थे सबसे साइड में रखते थे। ब्लैक ब्राउन को हम लोग जब भी लगाते थे एकदम कोचे में एकदम साइड है। तो पहले ब्लैक फिर ब्राउन, और ये वाला बी ब्लू के लिए, बाकी सब तो आपको याद रहेगा। कैसे याद रखना है, बी बी रॉय ऑफ को छोड़ दो, ग्रेट ब्रिटेन हैज को छोड़ दो, वेरी गुड वाइफ, तो बी ब्लैक, बी ब्राउन, रॉय आर रेड, ओ ऑरेंज, वाई येलो, हैज छोड़ दो, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन तो जी से ग्रीन, बी से ब्लू, हैज वेरी गुड वाइफ, वी से वायलेट, गुड जी से ग्रे, और वाइफ के डब्ल्यू से व्हाइट। और उसके बाद ऐसे लिखने के बाद सीधा नंबरिंग करनी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर पहले दूसरे नंबर पे हो, तीसरे के लिए 10^0 10^1 10^2। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करें, इस लेक्चर को यहीं पे करते हैं समाप्त। इसके बाद पढ़ेंगे ओम्स लॉ, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।